हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आता है, और मैं आज बनाने वाली हूँ यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी सेवई, जो भी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैंने लिया है 1 किलो दूध, जिसे मैंने बॉइल करके रखा है, और ये रही पतली वाली सेवई जिसको मैं बनाऊंगी, और ये रहा देसी घी, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट और इलायची और चीनी। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले पैन में मैंने घी डाल दिया, सेवई को मैं फ्राई करूंगी। सेवई को अच्छी तरह से लाल करने के बाद इसको मैं दूध में डालूंगी। मैं ऑन कर देती हूँ, इधर मेरा दूध भी बॉइल होगा, और इधर मैं सेवई को लाल कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा ये सेवई ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा इसे और लाल करूंगी, उसके बाद मैं इसे दूध में डालूंगी। तो सेवई मेरा ब्राउन हो चुका है। दूध उधर मैंने गाढ़ा होने के लिए चढ़ा रखा है। सेवई बनाने के लिए आप फुल क्रीम वाला दूध यूज कीजिएगा तो सेवई ज्यादा टेस्टी बनेगा। सेवई लाल होने के बाद ही दूध में डालिएगा, नहीं तो दूध में डालने के बाद सेवई व्हाइट कलर का हो जाता है, इसीलिए इसे मैं पूरी तरह से लाल कर लूंगी तब दूध में डालूंगी।
सेवई बहुत ही तरीके से बनाई जाती है दोस्तों, पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसे कोई भी बना सकता है। इसमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें दूध डालने जा रही हूँ। इसमें छोटी इलायची और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लूंगी। इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। मैं इसमें चीनी डालूंगी। मेरा सेवई बिल्कुल पक चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो दोस्तों मेरा सेवई तैयार हो चुका है बनकर, आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और ये खाने में बिल्कुल टेस्टी और यम्मी लगेगा। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए तो आज का ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अगले रेसिपी लेकर फिर मिलूँगी आपसे। तो दोस्तों मेरा सेवई बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।